हे दोस्तों, आज मैं ऐसे प्रोडक्ट की वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप अपने मम्मी पापा को एक अच्छा गिफ्ट देना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट आपके लिए रहने वाला है। ये क्या चीज़ है? तो दोस्तों, ये है सारे गामा पा कारवा, जो कि है गो एडिशन। दोस्तों, इसमें दो आते हैं जो आप पहले जैसे रेडियो चलते थे, एक तो वो आता है, एक आपको ये स्मॉल साइज का मिलने वाला है। बिल्कुल ये इसका साइज इतना है जितना एक फोन का होता है। तो दोस्तों, अगर कैरी करना चाहते हो या फिर सफर में आप गाने सुनना चाहते हो तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी मेरे को लगी है। अगर इसका प्राइसिंग बताऊं तो ये आपको 3000 रुपये में इस टाइम मिल जाएगा। इसमें आप दोस्तों गाड़ी से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो, इसमें आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको इसमें 3000 से ऊपर के गाने मिलते हैं। तो आज इसी के ऊपर पूरी वीडियो है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से दिखा देता हूँ ये बॉक्स में कैसा मिलता है और क्या क्या इसके साथ में सामान मिलता है। तो दोस्तों, इसमें एक और आपको बॉक्स मिलने वाला है जो मेरे से खो चुका है, और अंदर से आपको ये इसका स्टील का बॉक्स मिलने वाला है जो अच्छे से आप इसको रख सकते हो, तो दोस्तों टूटेगा नहीं। उसके साथ में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप बॉक्स खोलोगे तो आपको ऐसा मिलने वाला है, ये आपको ये इसका कारवा जो बता रहा हूँ मैं, ये मिलने वाला है। ये रबड़ की इसमें आएगा जो कि अच्छे से प्रोटेक्शन के साथ में आता है। और दोस्तों, उसके साथ में आपको इसका 3.5 mm का ईयरबड्स मिलने वाले, ये आप देख सकते हो। ये इतना अच्छा नहीं लगा, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसा है ये। उसके साथ में दोस्तों, आप इसको कैरी करने के लिए आपको इसका पाउच मिलता है। इसमें भी दोस्तों इसकी ब्रांडिंग है सारे गामा पा कारवा की। और एक आपको इसके साथ में माइक्रो USB 2 टाइप ए वाला केबल मिलता है, और एक इसके साथ में ऑक्स केबल मिलता है। और ये इसकी कुछ यूजर मैनुअल है, जो अगर आपको कुछ करना ना है तो आप यूजर मैनुअल से इसको देख सकते हो। अब दोस्तों बताओ, इसकी क्वालिटी कैसी है ईयरबड्स की? तो बिल्कुल आपको इसमें चीप क्वालिटी मिलने वाली है। मेरे को लग रहा है दोस्तों, ये 50-100 रुपये का ही है खाली ये ईयरबड्स, इससे ज़्यादा दोस्तों ये नहीं है। बिल्कुल आपको अजीब सी इसकी, बिल्कुल बेकार इसकी क्वालिटी मिलने वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे बाजार में 50 रुपये के जो ईयरबड्स मिलते हैं, बिल्कुल वही क्वालिटी कंपनी ने दी है। अब कंपनी आपसे 3000 रुपये ले रही है, और एक ऐसा चीज़ दे रही है जिसमें फ़ोन ऊन भी नहीं कर सकते, कॉलिंग भी नहीं कर सकते, तो कम से कम उसमें जो सामान मिल रहा है वो कंपनी को अच्छा देना चाहिए था, जो कि मेरे को इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। दूसरा दोस्तों ये बताऊँ, ऑक्स का, ऑक्स भी बिल्कुल आपको एवरेज ही मिलने वाला है, बिल्कुल बेकार मेरे की क्वालिटी लगी है। बिल्कुल वही बोलूँगा, बिल्कुल चीप क्वालिटी की ऑक्स केबल लगी है, और इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। पर थोड़ी सी मेरे को इसकी अच्छी लगी है जो इसके साथ में केबल मिल रहा है। एक चीज़ बुरी मिल रही है दोस्तों, ये माइक्रो USB से इस टाइम भी चार्ज हो रहा है। इसमें अगर टाइप सी देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, और दोस्तों इसमें टाइम भी ठीक ठाक लगता है। टाइम कितना लगता है वो भी मैं बताने वाला हूँ। पर हाँ, इसकी थोड़ी क्वालिटी थोड़ी अच्छी लगी है, पर हाँ लेंथ इसकी भी कम लगी है। तो दोस्तों ये है इसके साथ में आने वाला सामान। अब बात करते हैं इसकी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस कारवा के बिल्ट इन डिज़ाइन की, कैसा मिलता है। तो दोस्तों ये इसमें आपको पूरी ही प्लास्टिक बॉडी मिलने वाली है। साइड में भी दोस्तों ये थोड़ी आपको मेटल टाइप की लगेगी, ये शायद मेरे को मेटल लग रही है। दोस्तों इसमें साइड में आपको मिलने वाला ये इसका मेटल है। पर हाँ दोस्तों, एक सामने की तरफ आपको इसमें स्क्रीन मिलेगी, जो कि कौन सा गाना बज रहा है, क्या सेटिंग चल रही है, सब कुछ आप स्क्रीन में देख सकते हो। और दोस्तों अगर इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी बोलें तो ठीक ठाक आपको अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक मिलने वाली है। ये बोलूँगा देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, एक अच्छा डिज़ाइन लगता है, एक क्लासिक डिज़ाइन लगता है, और देखने में दोस्तों काफ़ी, मतलब ये है दोस्तों, आप सामने वाले को दिखाओगे तो जैसे पहले वॉकमैन चलते थे वैसे ही आपको इसमें डिज़ाइन मिलने वाला है। अब बात करें दोस्तों इसके पोर्ट्स एंड बटन्स की, वो कौन कौन से मिलने वाले हैं। तो ऊपर की तरफ आपको इसमें पावर का बटन मिलने वाला है, ऑन ऑफ कर सकते हो। साइड में नीचे की तरफ बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसका वॉल्यूम के बटन मिलने वाले हैं, और उसके साथ में आप इसमें ब्लूटूथ, जैसे मैंने बताया था दोस्तों, आप किसी भी ब्लूटूथ डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों आपको मिलता है ब्लूटूथ डिवाइस को, अगर इसको प्रेस करके रखोगे तो ये ब्लूटूथ इसकी ऑन या ऑफ होगी। उसके नीचे दोस्तों इसमें एक वॉल्यूम का बटन मिलता है, एक म्यूट करना चाहते हो दोस्तों तो आप ऑटोमेटिकली इसको दबाओगे तो ये म्यूट हो जाएगा। और दोस्तों इधर की तरफ आपको बताया तो दोस्तों इसमें SD कार्ड का सपोर्ट मिलेगा, मतलब कि, और उसके साथ में इसमें FM का बटन मिलेगा। अब ये दोनों बटन क्या काम करते हैं, अगर आपने इसमें SD कार्ड लगा रखा है तो आपको ये वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा, उसके साथ में जो आपके SD कार्ड के जितने भी गाने वो आप उसमें सुन सकते हो। दूसरा, अगर आप इसमें FM सुनना चाहते हो तो नीचे वाला जैसे बटन दिया गया अलग से ही, आप अगर इसका FM का बटन दबाओगे तो इसमें आप FM सुन सकते हो। और दोस्तों इधर की तरफ, सामने की तरफ भी आपको काफ़ी सारे इसमें बटन मिलते हैं। मैं बताऊं तो दोस्तों इसमें आर्टिस्ट के बटन मिलते हैं, अगर आप किसी आर्टिस्ट की सुनना चाहते हो, जैसे मेरे को किशोर कुमार बहुत पसंद है, तो खाली अगर मैं किशोर कुमार के ही गाने सुनना चाहता हूं तो मेरे को ये वाला बटन दबाना पड़ेगा, तो उसके बाद में दोस्तों जितने भी गाने आने वाले हैं वो सारे किशोर कुमार के सुनेंगे। ऐसे इसमें बहुत ही लेजेंडरी जितने भी सिंगर हैं सबके आपको लगभग पुराने गाने मिलने वाले हैं, जो कि 3000 से भी ऊपर के इसमें गाने इसमें है ही। और ऊपर से आप इसमें अगर लेटेस्ट गाने चलाना चाहते हो, लेटेस्ट गाने जो अपने सुनना चाहते हो, तो उसमें जैसे मैंने बताया था आप इसमें
एसडी कार्ड भी लगा सकते हो उसके साथ में। दोस्तों इसमें आप प्लेलिस्ट अपनी करना चाहते हो, एक आपको इसमें प्लेलिस्ट का बटन मिल जाएगा। अगर आपने अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है तो आप वहां से ये प्लेलिस्ट का बटन दबाओगे तो आप वहां से सुन सकते हो। अब ये नीचे वाले बटन क्या काम करते हैं ये बता देता हूं। तो दोस्तों ऊपर की तरफ आप जो हार्ड का एक बटन मिलेगा तो ये क्या काम करता है कि दोस्तों जोन सा भी आपको गाना चल रहा है आपका और आपको वो बहुत ही अच्छा लग रहा है तो आप अगर ये हार्ड वाला बटन दबाओगे तो वो आपके एक प्लेलिस्ट में चला जाएगा। उससे क्या होगा दोस्तों, आप अगर वही गाने सुनना चाहते हो जो आपको पसंद है इस बटन से आप चूज कर सकते हो वो सारे ही गाने। उसके साथ में दोस्तों एक इसमें आगे या पीछे आप गाना करने का मिलेगा, ये वाला अगर बटन दबा रहे हो आगे या पीछे कर सकते हो। उसके साथ में जो बीच में दोस्तों ये बटन दबता नहीं है, ये खाली इधर उधर होता है घूमता है, ये खाली दबता नहीं है दोस्तों। यहां से प्ले एंड पॉज के लिए आपको ये वाला बटन मिलने वाला है। अब दोस्तों ये घूमने वाला ये क्या बटन क्या काम करता है कि आपको जितनी भी सेटिंग करनी हो, मान लो कोई प्लेलिस्ट है इसमें तो गाना आगे पीछे होगा पर इसमें जो सेटिंग होती है जैसे ब्लूटूथ से किसी और डिवाइस में जाना है, बहुत सारी ब्लूटूथ की डिवाइस आपने इससे कनेक्ट कर रखी इसमें है तो कौन सी पे जाना चाहते हो वो सारी आपको यहां से सेटिंग करनी पड़ेगी। उसके साथ में दोस्तों आप आर्टिस्ट के भी जैसे मैंने बताया जैसे आप ये वाला बटन दबाओगे तो एक आर्टिस्ट के नाम आ जाएंगे तो आप यहां से तो गाने खाली प्ले एंड पॉज कर सकते हो, आगे या पीछे कर सकते हो। ये वाले क्या है दोस्तों, आपको आर्टिस्ट कौन सा आर्टिस्ट का सुनना है आगे पीछे वो वाले ये वाले बटन करता है। तो दोस्तों ये है इसकी बिल्ट इन डिजाइन और सारे पोर्ट्स एंड बटन्स मैंने सब बता दी इसमें क्या क्या पोर्ट्स एंड बटन्स करते हैं। लास्ट में बता दो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था ये एसडी कार्ड का यहाँ पे आपको ये मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे आप इसमें एसडी कार्ड लगा सकते हो। दोस्तों इसमें कोई सा भी टाइप का आप इसमें सिम नहीं लगा सकते हो, ना ही आपको इसमें कोई वाईफाई की सेटिंग मिलेगी ना तो दोस्तों इसमें वाईफाई चलता है ना ही कोई इंटरनेट चलता है। इसमें जो भी गाने आप वही चला सकते हो वही बजा सकते हो। अगर और भी एडिशनल आपको सुनने हैं तो आपको इसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, जैसे पुराना दोस्तों एफएम चलता था बिल्कुल वही आपको ये मिलने वाला है। अब बात करें दोस्तों इसमें क्या मेरे को चीजें अच्छी लगी क्या चीजें नहीं लगी है, तो सबसे बुरी जो मेरे को दोस्तों इसमें चीज लगी है वो है इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको इसकी बहुत ही कम मिलने वाली है दोस्तों, इसमें वॉल्यूम पे काम करना चाहिए था क्योंकि ये एक ऐसी डिवाइस है जो गाने सुनने के लिए बनाई गई है, उसके बाद भी दोस्तों इसमें इतनी अच्छी आपको वॉल्यूम नहीं मिलती है। अब दोस्तों मैं इसकी आपको वॉल्यूम की आवाज सुनाता हूं, माइक के पास में रखूंगा, ये रहा मेरा माइक, आप इसकी वॉल्यूम की आवाज सुनिए, आप स्पीकर की आवाज सुनिए कितनी आपको कम मिलती है। ये मैंने इसकी मैक्स कर रखी स्पीकर की आवाज, आप सुनिए। इतनी खाली आपको इसकी स्पीकर की आवाज सुनाई देने वाली है दोस्तों, ये बिल्कुल माइक बहुत ही अच्छा माइक है, बहुत ही अच्छे से आवाज को कैच कर लेता है, उसके बाद भी आपको इतनी कम आवाज इसमें सुनाई देने वाली है क्योंकि मेरे को पता है दोस्तों वीडियो बना रहा हूं कितनी कम आपको इसमें आवाज मिलने वाली है। दोस्तों आजकल के जो फोन है मेरे को उससे भी कम इसकी आवाज लगी है, कंपनी को इसमें स्पीकर अच्छा देना चाहिए था, मेरे को जो इसमें सबसे बुरी चीज लगी है। उसके बाद में दोस्तों अगर इसके हेडफोन आप लगाते हो, इसमें ईयरफोन लगाते हो उसमें कैसी आवाज आती है, तो हाँ दोस्तों अगर आप इसमें ईयरफोन लगाते हो कोई हेडफोन लगाते हो तो ये काफी लाउड उसमें आवाज बजने वाली है। मैंने दोस्तों एक ही ईयरफोन एक फोन में भी चलाए थे और फिर मैंने इससे में भी लगा के देखे थे तो मेरे को एक चीज अच्छी लगी कि दोस्तों फोन से भी ज्यादा तेज आवाज मेरे को सेम ईयरफोन की जो मैंने ये वाला दिखा रहा हूं आपको इसकी मेरे को फोन से भी ज्यादा इसमें लाउडनेस लगी थी। तो दोस्तों मैं इसकी भी आपको लाउडनेस दिखाता हूं, आपको सुनाता हूं कितनी आपको मिलने वाली है। तो ये है दोस्तों इसकी ईयरफोन की जो कि बिल्कुल चीप क्वालिटी के तब भी इतनी अच्छी आपको साउंड क्वालिटी मिलने वाली है। तो एक चीज दोस्तों इसमें अच्छी चीज लगी कि क्या अगर आपके पास एक अच्छे हेडफोन है एक अच्छे ईयरबड्स है वायर वाले ईयरपॉड्स है तो उसमें काफी अच्छी आपको आवाज सुनाई देने वाली है। तो फिर भी जैसे मैंने कहा दोस्तों आप अगर अपने घर वालों को मम्मी पापा को देना चाहते हो ये गिफ्ट किसी बड़े को देना चाहते हो तो वो हमेशा इसको कैरी नहीं कर पाएगा तो कंपनी को दोस्तों इस चीज में ध्यान देना चाहिए था, इसमें स्पीकर की इसमें लाउडनेस ज्यादा देनी चाहिए थी। पर हाँ एक चीज इसमें अच्छी दी गई है, अगर आपके पास कोई भी दोस्तों ब्लूटूथ डिवाइस है कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर है तो उसको इससे कनेक्ट कर सकते हो दोस्तों, तो जो भी इसमें गाना बज रहा है आप डायरेक्टली उसमें सुन सकते हो। या फिर दोस्तों आप अगर सफर करते हो आपके गाड़ी गुड़ी में दोस्तों आप गाने सुनना चाहते हो तो गाड़ी से भी आप दोस्तों गाड़ी में भी इसको कनेक्ट कर सकते हो तो जितने भी इसमें गाने वो आप गाड़ी में सुन सकते हो बिना किसी इंटरनेट के, क्योंकि आप अगर दोस्तों लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो तो आपको पता है दोस्तों हर जगह नेटवर्क नहीं होते तो उसकी कोई चिंता ही नहीं इसमें अपने ही गाने बहुत सारे हैं तो आप एक बार इसको कनेक्ट कर लो, जितने भी गाने आप पुराने
सफर का मजा ले सकते हो आप गाने सुनते हुए। अब बताएं दोस्तों इसमें आपको चार्जिंग टाइम कितना लगता है। तो दोस्तों इसमें आपको 3 घंटे तक का इसको चार्ज करना पड़ेगा, तब जाके ये फुल चार्ज होने वाला है। पर एक चीज मेरे को इसमें अच्छी लगी वो है दोस्तों इसका बैटरी बैकअप। इसमें कंपनी 7 घंटे का बैटरी बैकअप बताती है और दोस्तों 7 घंटे का मिल भी रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। एक तो दोस्तों इसमें आवाज इतनी कम दी गई है जो ज्यादा चीजें कर ही नहीं पाए, और दूसरा क्या इसमें बहुत चीजें आप कर ही नहीं सकते। मोबाइल की तरह नहीं कि आपको इसमें कैमरा भी चला सकते हो या कुछ भी गेम खेल सकते हो, वो सब कुछ मिलता ही नहीं है दोस्तों। ये खाली आपके लिए गाने सुनने के लिए बनाया गया है। तो उसके बाद भी क्या है दोस्तों, अगर इसमें स्क्रीन में तो दोस्तों ये ऑन रहेगी, अगर आप इसमें गाना चला के छोड़ देते हो तो क्या होगा, ये स्क्रीन भी ऑटोमेटिकली 10 सेकंड बाद 30 सेकंड बाद ऑफ हो जाती है। तो फिर खाली क्या होगा कि ये क्या बैटरी लेगा खाली आपको, जो अगर इससे चला रहे हो आप, इसमें डायरेक्टली चला रहे हो तो खाली ये इसके स्पीकर बजने वाले या फिर एयरपॉड या एयर ऐसा हेडफोन कोई लगा रखा है तो खाली उसमें पावर देते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसमें काफी ज्यादा आपको बैटरी बैकअप इसका मिलने वाला है। तो बैटरी बैकअप ने इसके मेरे को काफी इंप्रेस करा है, फिर भी बोलूंगा दोस्तों काफी अच्छा गिफ्ट ये रहने वाला है। पर हाँ एक चीज है दोस्तों, अगर आप ज्यादा सफर नहीं करते हो, घर वाले आपके इतना सफर नहीं करते जिनको भी आप ये देना चाह रहे हो, तो मेरे लिए दोस्तों ज्यादा बढ़िया रहेगा जो बड़ा वाला इसका आ रहा है FM वाला, जो पहले FM चलते थे, अगर वो वाला आप लेने वाले हो तो वो ज्यादा बढ़िया रहने वाला है इससे। ये है दोस्तों छोटा सा है, आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, बस वही उसी चीज में मेरे को बस ये अच्छा लगा है। पर वो चीज क्या है दोस्तों, आपको खाली से अलग से आपको स्पीकर लेने की कोई जरूरत नहीं उस वाले के लिए। स्पीकर जो है उसका काफी बड़ा है, काफी अच्छे से आवाज आ सकती है और उसका डिजाइन भी मेरे को काफी अच्छा लगा, जैसे पुराने रेडियो चलते थे वैसे ही आपको उसका डिजाइन मिलने वाला है। पर हाँ अगर आप सफर करते हो, जिसको भी आप दे रहे हो वो ज्यादा सफर करता है, तो उसके लिए ये सबसे बढ़िया रहने वाला है। दोस्तों यही बोलूंगा, ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट है अगर आप अपने घर वालों के लिए देते हो, क्योंकि घर वालों को पुराने गाने बहुत ही पसंद आते हैं दोस्तों, उनके लिए ऐसी चीजें ही बहुत पसंद आने वाली है। तो दोस्तों अगर आप ये वाला लेना चाहते हो तो मैं इसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इस कारवा को ले सकते हो या फिर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यही थी मेरी पूरी वीडियो, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।